नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजीव गांधी के वो फोर्स घोटाले के बारे में। प्रतिरक्षक खरीदार या राजीव गांधी के गर्दन के पत्थर बन गए। इनमें वो फोर्स घटना बड़ी थी। इसकी दुर्घटना आज तक फैली हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत फेयरफैक्स तथा HDW पनडुब्बी खरीदारी से हुई थी। हम फेयरफैक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस मामले में फेयरफैक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। फेयरफैक्स विवाद राजीव के वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा एक अमेरिकी डिटेक्टिव एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति से खड़ा हुआ। बीपी सिंह अपने पाया मारने के राज के लिए विख्यात हो चुके थे। फेयरफैक्स को भारतीय द्वारा विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी के रूप में जमा करने की भी जाँच का काम सौंपा गया। एक जाली पत्र द्वारा पाया गया कि जिसमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री के गहरे मित्र अमिताभ बच्चन भी इसमें शामिल थे। यह पत्र कहां से आया किसी को मालूम नहीं। बड़े उद्योगपति बॉम्बे डाइंग के नुकसानी वाडिया और रिलायंस के अंबानी भी इसमें विरोधी पक्ष में शामिल थे। बीपी सिंह को वित्त मंत्री से प्रतिरक्षा में स्थानांतरित किया गया। राजीव गांधी ने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ टकराव के संकट के कारण उन्हें यह कार्य करने के लिए कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला था, लेकिन इससे विरोधी पक्ष ने इस बात का सबूत मांगा कि राजीव अपने मित्र अमिताभ बच्चन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद HDW पनडुब्बी कांड हुआ। भारत ने पश्चिम जर्मनी से 1981 में 4 पनडुब्बियाँ खरीदी थी। वह 2 और खरीदना चाहता था और कीमतों के कुछ कटौती की मांग की, लेकिन जहाज यार्ड ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बिक्री पर 7% की भारी ड्यूटी देनी पड़ी है। बीपी सिंह ने, जो उस समय रक्षा मंत्री थे, बिना राजीव गांधी से पूछे जांच का आदेश दे दिया। इसके एक गैर दस्तावेज का माना गया क्योंकि 1981 के समझौते के समय स्वयं इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री थी और कांग्रेस की सरकार थी। बीपी सिंह की कैबिनेट में आलोचना की गई और उन्हें जल्द ही सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। विरोधी पक्ष एवं प्रेस ने बीपी सिंह को ईमानदार और राजीव गांधी के मामले पर पर्दा डालने की कोशिश बताया। बीपी सिंह श्रीमान ईमानदार बन गए और राजीव गांधी सुख के दिन समाप्त हो गए। बीपी सिंह के इस्तीफे के कुछ दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को मामला फूट पड़ा। आरोप सबसे पहले स्वीडन इस रेडियो पर घोषित हुआ। आरोप लगाया गया कि फ्रांसीसी तोप के मुकाबले स्वीडन की बोफोर्स कंपनी की 410 तोप खरीदने के लिए भारतीय अफसरों एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य को 60 करोड़ रुपए बराबर की राशि घूस दी गई। इन आरोप की भारतीय प्रेस में बड़े पैमाने पर लिया गया, खासकर द इंडियन एक्सप्रेस में तथा बाद में द हिंदू। आगे चलकर इनमें एक बड़े मामले के रूप में धारणा किया। स्वयं राजीव गांधी की आलोचना हुई। विरोधी पक्ष के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी स्वयं और उनके पारिवारिक के सदस्य ने पैसा पाए हैं। परिस्थितियां बहुत खराब थी और राजीव गांधी को आरोप का खंडन करने में कठिनाई हो रही थी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी राजीव गांधी के साथ पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का मौका मिल गया। वे नाराज थे। राजीव उससे नियमित रूप से मिलने और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने की परंपरा निभाने में ढीले थे। वे इस बात से भी नाराज थे कि पंजाब और मिजो समझौते के बारे में उनसे सलाह नहीं लिया गया। ज्ञानी जैल सिंह दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनने का लालच था। इस प्रकार वे 1987 के मध्य में एक बड़े षड्यंत्र का केंद्र बने, जिसमें तहत राजीव गांधी को पदच्युत करने के लिए जाना जाता था। विरोध पार्लियामेंट और कुछ कांग्रेस असंतुष्ट ने राष्ट्रपति से भ्रष्टाचार या राष्ट्रपति को सूचना देने की संवैधानिक आवश्यकताओं को पालन न करने का आरोप से पद से हटाने को प्रोत्साहित किया। ज्ञानी जैल सिंह लगभग मान चुके थे, लेकिन वीपी सिंह ने राजीव का विकल्प बनकर इन लोगों की चाल चलने से इनकार कर दिया और इस प्रकार बड़ा संवैधानिक संकट टल गया। राजीव को इस बात के लिए बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए
कि इन मामलों और षड्यंत्र के बीच जहां तक कहा जा सकता है उन्होंने 20वीं सदी के सबसे बड़े अकाल में से एक जनित संकट जूझने में बड़ी समझदारी से काम लिया। जून सितंबर 1987 का दक्षिण पूर्व मानसून असफल रहा। इस प्रभाव में 11 राज्यों के एक तिहाई जिले की जनसंख्या पर पड़ा। देश की पूरी जनसंख्या का एक चौथाई था। भोजन पाने और पानी रोजगार संबंधी बहुत सी अभियान सारे देश में बड़े पैमाने पर चलाया गया। राजीव गांधी ने उचित ही दावा किया कि एक भी जान नहीं गई। यह देश में हुआ जहां 1943 में ही मानव निर्मित अकाल में दाखिल लाख लोग की जान गई थी। लेकिन बोफोर्स तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे का दुर्गंध नहीं गया और 1989 के चुनाव वर्ष में फिर उभर आई। संयुक्त समिति की रिपोर्ट ने उन्हें इस मामले में लगभग बरी कर दी थी, लेकिन कंपेंटलर ऑफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने तो चुनाव तथा अन्य कई मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन विरोधी पक्ष जोर दिया कि राजीव अपराध सबूत मजबूत है और उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बाद लोकसभा के बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए गए। यह कोई बड़ा बलिदान नहीं था क्योंकि चुनाव नज़दीक थे, लेकिन सरकार की परेशानी तो बढ़नी ही थी। और इस प्रकार राजीव अपने चुनाव के दूसरे राउंड में तब पहुंचे जब देश का मूड उनके पहले राउंड से अलग था। अब राजीव उम्र के तथा अधिक बुद्धिमान थे। वे अपने कार्य पर काफ़ी कुछ गर्व कर सकते थे। श्रीलंका को छोड़कर विदेश मामलों में उनका कार्य सराहनीय था, जिसका काफ़ी समर्थन मिला। विश्व में भारत की स्थिति बेहतर हुई और महाशक्ति तथा पड़ोसियों के साथ संबंध कुछ बेहतर थे। अर्थतंत्र अच्छा चल रहा था, तब तक इसके विकास की दर सबसे अधिक थी। हालांकि कमी और कर्जा बढ़ते रहे थे। सुरक्षा और प्रतिरक्षा नीतियां अच्छी थी और काफ़ी समय से आवश्यक शस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अब चल रहा था। कंप्यूटराइजेशन को काफ़ी बल मिला। यद्यपि विश्व व्यवस्था में बने रहना था तो यह बड़ा जरूरत था। गरीबों के खिलाफ कार्यक्रम, साक्षरता, पीने के पानी, टीकाकरण, पंचायती राज अभियान महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण इलाकों उनका केंद्र थे। इस प्रकार कुलीनवाद का आरोप गलत था। राजीव की बहुत सारी खामियां थी, इनमें कोई शक नहीं। एक यह थी कि वे अपने विचार जल्दी जल्दी बदल लेते थे। औसतन वे कैबिनेट का पुनर्गठन हर 2 महीने में करते थे। कभी कभी अपना संतुलन खो बैठते और कभी कभी नतीजों का विचार किए बिना बोल बैठते। यह प्रसिद्ध घटना हुआ जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही विदेश सचिव को बर्खास्त कर दिया। यह भी कहा जाने लगा कि उन तक पहुंचना कठिन हो जाता था। कुछ का विचार था कि वे कठोर होते जा रहे हैं थे, लेकिन सारी आमतौर पर उच्च पदों से जुड़ी समस्याएं होती थी। सबसे बड़ी समस्या राजनीति अनुभव की कमी थी और निचले स्तर तथा पार्टी संगठन संबंधी समस्याओं की जानकारी की कमी। लेकिन अधिकतर लोग का विचार था कि वे तेज से सीख रहे हैं। वे अब राजनीति माहौल की अव्यवस्था नहीं महसूस करते। भारतीय राजनीति का उतार चढ़ाव उन्हें अच्छा लगने लगा। 1989 के राजनीति की परीक्षण पास कर चुके थे, अपना संतुलन बनाए रखा और वे फोर्स का सामना करने में सफल हुए। इस दौरान उन पर सबसे तीखे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे। अब वे दूसरी बार कठिन चुनाव अभियान का सामना करने के तौर पर थे। जीतते या हारने का तय कर चुके थे कि महान भारतीय राजनीति के वे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।